हेलो, हाय हाय, गुड। हाउ आर यू? हाउ आर यू? सो वेयर आर यू नाउ? आई एम बैक टू मुंबई, जस्ट स्टक इन दिस लॉकडाउन। या मुंबई की सिचुएशंस है, तो अभी काफी सीरियस ही है कोरोना को लेकर। आई नो, बट मुंबई इज गेटिंग बेटर इवेंचुअली। दी अदर एरियाज, आई वुड से थाना साइड इज अ लिटिल मोर इन अ बैड शेप, बट रेस्ट तो थिंग्स आर वेल इन मुंबई। इट्स इम्प्रूविंग गुड डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू। थैंक यू, थैंक यू। तो आई वांट टू से यू दैट यू आर वर्किंग फ्रॉम हेड्स ऑफ प्रोडक्शन सो Yes, मेनी। I was working with Heads of Productions for like a couple of years. सो हाउ यू जॉइन देम? Basically, I had done a couple of ads when I was a kid. I started with the SL World ad, then there was this midday newspaper ad, and one of the assistant directors there just loved my acting, and they're like, I will recommend you to in a serial. So I never had these plans of actually getting into the television industry and work probably for hats off, but they were like, ठीक है तो try करते हैं, and मैंने audition दिया खिचड़ी के लिए, and I was selected fortunately, and that was how I started. और उसके बाद जितनी भी hats off की serials थी, like खिचड़ी, बाबू और बेबी, मिसेस तेंदुलकर, तो मैंने सारी serials, मतलब खिचड़ी चला था, खिचड़ी एंड इंस्टेंट खिचड़ी 5 years, and then बाबू और बेबी for another 5 years, then मिसेस तेंदुलकर था for like 2 years. तो the journey was like really long. मिसेस तेंदुलकर तो अभी लॉकडाउन में स्टार्ट भी हुआ था, हुआ ही है अभी सबसे पेपर अगेन। करेक्ट करेक्ट, मिसेस तेंदुलकर अगेन आई थिंक स्टार्ट हुआ है। आई डिड नॉट गेट टाइम टू वॉच इट दो, बट अगेन स्टार्ट हुआ है। खिचड़ी भी पूरे लॉकडाउन में आ रहा था, तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। मतलब 15 साल पुरानी मेमोरीज एकदम फ्रेश हो गई थी। तो जब मतलब आप छोटे थे वह तो आपने क्या सोचा था कि मतलब मैं इस फील्ड में आऊंगी या कुछ ऐसा कभी भी सोचा था इस बारे में? नॉट रियली, कभी ऐसा थॉट नहीं था, बस शौक के लिए चीजें स्टार्ट की थी। नेवर न्यू कि इसमें करियर भी बना सकते हैं, एंड इतनी पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, इतने लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। एज अ चाइल्ड इट वाज अ ग्रेट फीलिंग व्हेन सो मेनी पीपल यूज टू रिकॉग्नाइज मी, यूज टू टॉक अबाउट मी। तो कभी एम्बिशन या एम नहीं था, बस इवेंचुअली फॉर्चुनेटली वो आता गया रास्ते में। कभी मतलब ऐसा जब एहसास हुआ पहली बार कि ना लोग मुझे पहचानने लग गए हैं या स्टारडम मिल रहा है या ऐसा कुछ, कब ऐसा पहली बार? मतलब मैं रास्ते पे बस स्ट्रीट फूड खा रही थी। आई एम अ फूडी एंड आई लव स्ट्रीट फूड बेसिकली। तो मैं खा रही थी, यार इवेंचुअली दो लोगों ने इंटरनली बात की कि अरे ये तो वही चक्की है खिचड़ी वाली जो रास्ते पे पानी पूरी खा रही है, एंड दैट वाज व्हेन आई रियलाइज नो, नाउ रिचा यू आर अ स्टार, तो पीपल नाउ रिकग्नाइज यू इमीडिएटली। मतलब जैसे ही खिचड़ी के प्रोमोज आने लगे टीवी पे, तो वेरी नेक्स्ट डे जैसे मैं स्कूल गई, ऑल माई सीनियर्स, माई टीचर्स wanted to have a picture with me, and तो एक obviously एक feeling आने लगी, something different from the normal life, like there is something extra than the others, so that was special again. When did you first perform? I was 4 years old जब मैंने SL World की ad की थी। I still remember my मतलब मुझे बोला गया था कि एक दादा दादी थे, उनकी गोद में बैठना है, एंड आई वाज अ कैमरा शाय पर्सन, तो आई वाज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल डूइंग दिस, एंड आई क्राइड कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। एंड फिर मुझे समझाया सबने, क्रू ने, कास्ट ने, सबने बैठ के, कि एक काजोल के दादा दादी है। काजोल वाज माय फेवरेट एक्ट्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज 4 और 5 आई रियली, सो दैट वाज व्हेन मैंने वो शूट किया फाइनली, एंड कंप्लीट हुआ वो एड। वैसे भी क्योंकि बचपने में कुछ इतना समझ में भी नहीं आता है कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली काफी बहुत शोर हो। छोटी थी, बहुत छोटी थी, फर्स्ट प्रोजेक्ट था, कुछ भी नहीं पता था कि मतलब हाउ दिस वर्क्स, क्या करना है। आइडियली मुझे कुछ ज्यादा करना भी नहीं था, बस बैठना था, एंड बट या अगेन आई वाज नॉट कंफर्टेबल कि मैं नहीं बैठूंगी। आई वाज ऑलवेज अ
spoiled child that way. So besides मतलब ये acting करियर के हिसाब से अलग हटके भी मतलब study वगैरह में भी आपने कुछ आगे करा है कि I have done my BCom, then I completed my BSc in actuaries. Obviously halfway छोड़ दी थी चीजें because पढ़ाई में कभी भी बहुत ज्यादा interest नहीं था. And अभी I am working with my husband in his startup called Expertrons. So obviously last 6 to 7 years से I have been in the corporate industry and television industry से complete cut out हो चुकी हूँ. तो आपको कोई comeback करने का plan है? जैसे अभी सुना था BB में आपका आने का plan था, तो इस वाले पिक्चर्स में कुछ? नहीं अभी तो फिलहाल कोई plan नहीं है. Obviously एक opportunity आई थी पिछले साल. I thought of exploring. Unfortunately, things did not work out, and I was not a part of the season. But obviously, if in future mein kuch aisa aata hai ki, which I can explore or do it, I don't really have a problem. Yeah, despite it matches my criteria of getting back to the industry. What do you like to spare time? पार्टी पर्सन. आई लाइक टॉकिंग टू पीपल. आई लाइक वेन पीपल आर अराउंड मी. सो आई एम नॉट समवन कि अगर मैं फ्री हूँ तो अकेली बैठूंगी, अपने लैपटॉप में रहूंगी, फोन में रहूंगी या सीरीज देखूंगी. आई वुड वॉन्ट पीपल अराउंड मी जिनसे मैं बात कर सकूँ, जिनके साथ खेल सकूँ, बाहर जा सकूँ एंड स्टफ. व्हाट इज द गुड थिंग ऑफ इंडस्ट्री यू रिकॉग्नाइज? इंडस्ट्री आई थिंक मैंने इंडस्ट्री में बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों के साथ काम किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. आई वर्क विद हैट्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू आउट माई करियर, एंड उनके साथ काम करने वाली एक फीलिंग ही बहुत अलग थी. इट वॉज मोर लाइक अ फैमिली वेर इन दे एक्चुअली पैम्पर यू, दे एक्चुअली टॉक अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. तो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू फील वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू आर वर्किंग विद सच अ टीम. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. दे ट्रीट यू लाइक योर ओन चाइल्ड. मतलब आई ग्रोन अप विद देम. 5 साल की थी एंड 18 साल की थी तब तक उन्हीं के साथ थी, तो मेरा पूरा बचपना उनके साथ बीता है. बट आई नेवर मिस माई चाइल्डहुड बिकॉज मैंने उतना ही एंजॉय सेट्स पे किया है जितना मैं शायद अपने स्कूल्स में करती या घर में करती है. तो हेड्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरे प्रोडक्शन में क्या मतलब वो बताना चाहोगे कि अलग है? लाइक आई सेड, हेड्स ऑफ इज मोर लाइक अ फैमिली जहां पीपल विल टेक केयर ऑफ ईच अदर्स लाइक्स डिसलाइक्स एंड मोर ओवर फीलिंग्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो यहाँ प्रायोरिटाइज करते थे कि हमारी अगर पढ़ाई है, हमारी एग्जाम्स चल रही है, तो वो लोग यू नो मेक श्योर करते थे कि हमारे सीन्स पहले ले लें, हमारे लिए एक प्राइवेट रूम रख दें कि हम पढ़ पाए वहां पे, एंड बस शॉर्ट हो तभी बुलाएं हमें. तो बहुत सारी चीज को मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग नहीं थी वहां पे. योर पर्सनल लाइफ वॉज इक्वली इम्पोर्टेंट टू देम. So they understand कि अगर आपने 24 घंटे काम किया है तो एक बच्चे को 10 घंटे की नींद चाहिए, उसके बाद ही वो फिर वापस 20 घंटे काम कर पाएगा. तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से देखते थे, मैनेज करते थे. कभी मुझे नहीं जाके बोलना पड़ा कि कल मेरी एग्जाम है तो आज मेरा जल्दी पैकअप कर दो. वो खुद ही बोलते थे कि आज जल्दी पैकअप करना है बिकॉज बच्चों की एग्जाम है नेक्स्ट डे. तो दैट वॉज द डिफरेंस आई थिंक बिटवीन हैड्स ऑफ एंड एनी अदर प्रोडक्शन हाउसेज अराउंड. जैसे कि बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेपोटिज्म? नेपोटिज्म या मैंने काफी कमेंट्स देखी वेयर पीपल हैव आस्क्ड अबाउट नेपोटिज्म. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर फेस्ड समथिंग लाइक दिस बिकॉज अगेन मैंने कहा आई हैव वर्क्ड विद स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल. एंड इवन इफ आई कमेंट समथिंग ऑन नेपोटिज्म, आई थिंक बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट्स, बट व्हेन आई टॉक अबाउट टेलीविजन आई डोंट थिंक इतना ज्यादा इम्पैक्ट है नेपोटिज्म का. तो एंड आई हैव नेवर फेस्ड समथिंग लाइक दिस बिकॉज आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री. तो बट यस, आई वुड स्टिल से बॉलीवुड में इसका एग्जिस्टेंस है, बट नॉट इन द टेलीविजन इंडस्ट्री फिलहाल. बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेलीविजन इंडस्ट्री मतलब छोटी छोटा पर्दा कहते हैं उसको, बाकी मैं ये मानती हूँ कि वो ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि वो डेली आपसे कनेक्टेड रहते हैं. रोजाना वो लोग आते हैं और रोज आपसे कनेक्टेड रहते हैं, तो वो ज्यादा आपका कनेक्टफुल होता है.
करेक्ट. आई मीन अगर आप पहले से ही, मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रही, आप आज से 15 साल 20 साल पहले भी जब देखेंगे तो जितनी भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी कसौटी जिंदगी की थी, ये सारी जो सीरियल थी, उनसे एक फैमिली पर्सनली कनेक्ट कर सकता है. जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई एल्डर्स, माई दादी, माई माई नानी नाना, दे विल नॉट बेसिकली अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द मूवीज. उनको लगेगा कि नहीं, हमें एक डेली सोप देखनी है या हमें एक ऐसी चीज देखनी है जिससे हम पर्सनली कनेक्ट बना पाए. तो टेलीविजन इज समथिंग आई वुड से कि व्हेन यू आर सिटिंग विद अ फैमिली, यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर. जैसे खिचड़ी जो सीरियल थी, हर एक कैरेक्टर का एक पर्सनल एग्जिस्टेंस था कहीं ना कहीं. बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं उसमें, जैसे कि आज भी लोग वो डायलॉग मार देते हैं कि हाँ मैं तो थक गई या और डेट करे, वो लोगों को अभी तक याद है. जैसे जयश्री बस फोन लगा के गॉसिप करती थी, तो एवरी फैमिली हैज दैट वन फीमेल हु विल कीप टॉकिंग ऑन द फोन थ्रू आउट द डे एंड गॉसिपिंग अबाउट थिंग्स. तो बहुत रियलिटी से मैच करता है टेलीविजन. आई थिंक अभी के एरा में आई वुड से वेब सीरीज स्टफ्स आर कमिंग इन, बट अगेन दैट एरा वॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट, एंड वो एरा का फील ही दीज सिटकॉम्स एंड डेली सोप्स थे. व्हाट इज अबाउट द डार्क साइड ऑफ इंडस्ट्री? Dark side of industry, personally again, I have not faced much of it. But yes, there was a time that was one of the reasons why I did not want to work further, because for a मैंने जब भी काम किया है, I was a child and I have, like I said, मैंने बस hats off के साथ काम किया था. So I was not really aware of how the people are around and सुना था obviously, but कभी देखा नहीं था या कभी वो face नहीं किया था. When I wanted to get a मतलब आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज, आई इवेंचुअली रियलाइज दैट कॉम्प्रोमाइज इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन फॉर एटलीस्ट अ न्यू कमर. ये तो पता था, बट एज एन एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस आई थॉट फॉर मी दिस शुड नॉट बी द केस अगेन. बट अगेन दैट इज द डार्क साइड ऑफ इंडस्ट्री विच एवरीबडी नीड्स टू एक्सेप्ट इवेंचुअली. आई वुडन्ट से एवरीबडी इज रॉन्ग हियर, प्रोबेबली एक सर्टन सेट ऑफ लोग हैं जो पूरी इंडस्ट्री को करप्ट कर रहे हैं या उनसे गंदा कर रहे हैं, बट या वो स्पेसिफिक सेट ऑफ लोग हैं जो प्रोबेबली सब कुछ खराब कर रहे हैं. बाकी आप तो जैसे कि दूसरे मतलब टीवी सीरियल्स में आ चुके हो और जैसे एट द एज ऑफ 4 काम कर रहे हो, तो फिर इस बात को नहीं आना चाहिए था ना, जैसे कि दूसरे लोगों के साथ, मतलब कि अगर नए प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो वो तो नए लोगों के लिए होता है और जो पहले से एस्टेब्लिश है तो उन लोगों को इतना फेस करने का नहीं मिला. बट हाँ, स्पेसिफिक जैसे मैंने कहा, अगेन स्पेसिफिक लोग हैं, उनकी उनके माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, उनके लिए क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है. बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली टैलेंट को देखते हैं या प्रोबेबली आपकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हैं. बस मैक्सिमम लोग हैं जो चाहते हैं कि आई मीन दे लुक आफ्टर योर अदर फैक्टर्स एंड स्टफ. So that was one of the reasons, I wouldn't say the only reason, that was one of the reasons I did not want to continue in this industry further. So why you leave the industry? Again, like, main bachpan mein kaam kar rahi thi and I was a teenage then. I was 18 when I left this industry, 20 I would say when I left this industry. My parents were quite skeptical about me being a part of this industry as a grown-up. Because main bachpan mein thi, to achhe roles the, jaise Jackie Chakki ke saath role kiya, to ek family serial thi. Again, Baba Hoar kiya, to wo ek family serial thi, jahan log will not judge you. Mrs. Tendulkar kiya, to again that was a family, kyunki saas bhi kabhi bahu thi kiya, again a family serial. Later on jo roles milte the, jaise maine Gumrah kiya tha ek episode, and usme ek role tha, I have a boyfriend and I have a sister and I like my sister's boyfriend and I kill her. To eventually jab mere family, I would say mere elders ne jab ye cheeze dekhi, they did not like it and they were like, is tarah ke kaam nahi karne hai. Coming from a Gujarati Kachhi family, they were a little, I would say, introvert about me being a part of doing such roles. Yeah. So, मतलब फिर ऐसा होने आया कि जो भी roles आते थे वो इसी tangent में थे, तो कितने roles reject करूँ, rather I should move out of this industry. And that is when I took my final call कि ठीक है, अब नहीं करना है इसको continue further. Gumrah किया था मैंने 2 episode and it was fun. That was my last assignment.
तो अभी तो इतने सालों से इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे, तो अब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ कुछ नया करना चाहिए या कुछ भी, कभी लगता नहीं है कि वापस आना चाहिए, कम बैक करना चाहिए? ऑब्वियसली लगता है, बहुत मन भी करता है जब मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली इंडस्ट्री में काफी फ्रेंड्स हैं जो अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बताते रहते हैं ये चल रहा है वो चल रहा है इंडस्ट्री में, न्यू कमर्स हैं जो गाइडेंस लेते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री में जाया जाए, क्या किस तरह से अप्रोच किया जाए, तो मन होता है कि वो चीज करूं, बट अगेन व्हेन फ्लैशबैक में जाती हूँ तो आई यू नो रियलाइज कि बहुत स्ट्रगल है, अगेन बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मतलब बाहर से अगर आप देखोगे तो एन एक्टर्स लाइफ इज क्वाइट सॉर्टेड कि मतलब कुछ नहीं करना है, 12-15 घंटे काम करना है, सोना है, अगेन बस शूट करना है, बट आइडियली यू डोंट स्लीप फॉर डेज, यू डोंट स्लीप फॉर नाइट्स, एंड यू हैव कैन ऑब्वियसली इफ इट्स योर पैशन यू एंजॉय, बट देर इज समथिंग नोन एज आई मीन योर पर्सनल लाइफ जो बहुत ही जीरो बचती है. एज अ किड आई हैव नॉट अटेंडेड एनी ऑफ माई स्कूल पिकनिक्स, आई हैव नॉट अटेंडेड एनी ऑफ माई रिलेटिव्स वेडिंग्स फंक्शंस एंड स्टफ, आई हैव मिस्ड ऑल दीज थिंग्स इन माई चाइल्डहुड, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है जो लोग ऑलवेज नेग्लेक्ट करते हैं, या तो लगता है कि ठीक है, मतलब एक फेज था लाइफ का जहां मैंने ये भी कर लिया है, नाउ आई एम ऑल टुगेदर इन टू अ डिफरेंट सेगमेंट एंड आई एम एंजॉइंग माई वर्क अगेन, तो या व्हाट इज योर एक्टिंग स्टाइल, मतलब कॉमेडी, सीरियस रोल? आई हैव ऑलवेज वर्क विद अ कॉमेडी इन द कॉमेडी सेगमेंट एंड आई थिंक दैट इज समथिंग आई हैव ऑलवेज लव्ड. आई वुड से मोर रादर देन स्पेसिफाइंग माई सेल्फ इन द कॉमेडी जेंट्री, आई वुड से आई लाइक फैमिली सीरियल्स, आई वुड लाइक मोर ऑफ अ डेली सोप वेर आई वुड से फैमिलीज कैन कनेक्ट मोर, मोर सॉर्ट ऑफ रियलिस्टिक रोल्स वेर इन पीपल कैन थिंक ठीक है, मतलब मैं भी इसके जैसी हूँ, तो दैट इज समथिंग आई रियली एंजॉय. जैसे मैंने जब बेकअप सेट देखा था तो रणबीर कपूर को देख के मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस में लगा होगा वो दिस इज जस्ट लाइक मी, सो वो रोल्स करने में जो मजा है वो आई थिंक थोड़े से आउट ऑफ रियलिटी जाने में फन कम है. जैसे आपने काम तो कॉमेडी ज्यादा करा है आपने, आप तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू आर, कॉमेडियन पर्सन और व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर? एज अ पर्सन या आई लव सेंस ऑफ ह्यूमर, आई वुड से सेंस ऑफ ह्यूमर इज समथिंग दैट विल अट्रैक्ट मी इन एनी 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 पर्सन, तो आई डोंट नो हाउ आई वुड जज माई स्किल्स इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, बट या आई एम समवन हु विल कीप जोकिंग थ्रू आउट द डे एंड आई वुड लव पीपल हु जोक अराउंड मी. सेंस ऑफ ह्यूमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आई बिलीव दैट, मतलब कोई भी रोते हुए आई इंसान को बताना या किसी भी थिंक चीज में ओनली काम आ सकता। करेक्ट एंड आई थिंक ओनली लॉजिकल पीपल हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर दैट वे, तो या ऑफ ऑल द रोल्स यू हैव प्लेड इन द पास्ट, व्हिच वाज योर फेवरेट? माय फेवरेट वाज स्टकी इन खिचड़ी, बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस बहुत हमेशा स्पेशल रहेगा, इवन इफ आई कम बैक इन फ्यूचर और नॉट आई डोंट रियली नो, बट दैट रोल इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर मी, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर आई डिड नॉट नो ABC ऑफ एक्टिंग व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ खिचड़ी. इन द इनिशियल एपिसोड्स मेरा बस काम था खाना खाना एंड मैं खा रही हूँ एंड मेरे बारे में बातें हो रही है, एंड इवेंचुअली एक बार चैनल से कॉल आया था कि यू नो वी नीड टू रिप्लेस हर बिकॉज शी इज जस्ट सो बैड एट एक्टिंग, एंड माई डायरेक्टर आतिश अंकल, आतिश कापाड़िया, ही डिफेंडेड मी एंड ही इज लाइक नहीं, मतलब आई विल टीच हर, मैं उसको एक्चुअली सिखाऊंगा किस तरह से रोया जाता है, किस तरह से हंसा जाता है, किस तरह से एक्टिंग की जाती है, एंड वो पूरे 2 महीने 3 महीने उन्होंने बस मुझे एक्टिंग सिखाई, रोना कैसे है, गुस्सा कैसे करना है, किस तरह से अपनी फीलिंग्स को बाहर लाना है, किस तरह से योर एक्टिंग हैज टू लुक क्लोज टू रियलिटी, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्पेशल फॉर मी एंड आई वुड से दैट चेंज माई एंटायर लाइफ, कि अगर वहां मैं फुल स्टॉप आ चुका होता और अगर चैनल ने बोल दिया होता कि उनको निकालना है एंड वहां अगर एक करियर पे फुल स्टॉप आता तो शायद ही मैं कभी आगे काम कर पाती, मेरा कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता, बट माई टीम डिड नॉट लेट दैट हैपन एंड दे एक्चुअली सपोर्टेड मी अ लॉट, विच विल आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम फॉर दिस. इनसे पहले आप काम करती थी, उनके साथ अभी भी कनेक्टेड है? Yes, I'm connected with all of them even now. मिलना नहीं हो पाता because of their busy schedules, my busy schedules, but we are in touch.
तो तब मैं बहुत छोटी थी तो बातें अलग होती थी, और अब एकदम बड़ी हो गई हूँ तो अब चीजें एकदम अलग हो जाती हैं। जिनको मैं तब चाचू बुलाती थी, पापा बुलाती थी, दे आर नाउ लाइक ऑलमोस्ट दे लुक सिमिलर टू मी। तो इट गेट्स रियली वियर्ड बट इट्स फन टॉकिंग टू ऑल ऑफ देम। पुरानी बातें करते थे हम लोग सेट्स पे। आई स्टिल रिमेम्बर वी यूज टू डू पॉट पार्टी जहाँ सैंडविचेस बनाते थे, कोई ये ले आया कोई वो ले आया, एंड बस पार्टी करते थे कि वी डोंट फील एग्जॉस्टेड। मतलब 1 घंटे की पार्टी कर ली, अगेन वी कैन यू नो गेट बैक टू वर्क हैप्पीली एंड विद अ फ्रेश माइंड। तो शुरू शुरू में तो जैसे बच्चे होते हैं, तो आपको क्या अट्रैक्ट करा एक्टिंग के थ्रू? मतलब कि उस टाइम पे कि लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मुझे करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं और होगा मेरे हिसाब से क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं पता था। मतलब आई आई डिडंट नो एनीथिंग। आई स्टिल रिमेम्बर कि एक हीरो होंडा की एड थी जिसमें आई वाज सिलेक्टेड समहाउ। आई वाज वेरी क्यूट एज अ चाइल्ड, तो पीपल यूज्ड टू सिलेक्ट मी देख के कि अब एक्टिंग आ रही हो कि नहीं आ रही हो, लगती अच्छी है तो ले लेते हैं उसको। तो सिलेक्ट तो कर लिया था लुक्स के बेसिस पे। अब उन्होंने बोला कि एक अंकल है वो आपके पापा की जैसे हैं, ऑब्वियसली बड़े अंकल थे, एंड आई वॉज जस्ट अ 5 ईयर ओल्ड किड, कि इनको किस करना है। एंड आई एम लाइक नहीं, ऐसे इतने खराब दिखने वाले मेरे पापा हो ही नहीं सकते, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। एंड उसके बाद उन्होंने मतलब इतने सारे कपड़े ले आए, चॉकलेट्स ले आए कि ये सब तुम्हारे लिए गिफ्ट है, अब भी कर दो। एंड आई लाइक नहीं, मैं नहीं करूंगी। एंड एट द एंड आई डिड नॉट डू इट। तो तब माई मॉम केम एंड टोल्ड मी, मतलब इधर यू हैव टू डू इट और यू डोंट हैव टू डू इट, यू कैन नॉट हैव योर टेंट्रम्स योर की यही काम करना है वही काम कर रहा है। यू कैन नॉट बी चूजर्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग द इंडस्ट्री, यू नो योर करियर इन दिस इंडस्ट्री। सो दैट वाज व्हेन आई थॉट कि ठीक है, मतलब आई आई केप्ट माई सेल्फ ओपन टू रोल्स, ओपन टू लर्निंग, एंड ऑब्वियसली मैं सीखती गई विद टाइम। खिचड़ी में अगर आप मेरे फर्स्ट ईयर देखोगे, सेकेंड ईयर देखोगे, थर्ड ईयर देखोगे, तो हमेशा एक इम्प्रूवमेंट था। तो आई कॉन्स्टेंटली केप्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ थ्रू आउट, एंड एवरी एंटायर टीम वॉज वेरी सपोर्टिव। मतलब आतिश अंकल थे बैठ के सिखा रहे हैं, देवेन अंकल, देवेन पुजानी अंकल है वो बैठ के सिखा रहे हैं, जेडी अंकल है वो सिखा रहे हैं। तो दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन टीचिंग यू कि यार अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो मतलब आप अभी जिसके साथ कनेक्टेड हो इंडस्ट्री के अलावा, या फिर नहीं? सो बेसिकली आई एम वर्किंग विद एक्सपर्ट्रॉन्स। वो अगेन एन एक एडटेक स्टार्टअप है, इट्स माय हस्बैंड्स कंपनी अगेन। तो उसी के साथ काम कर रही हूँ लास्ट 1 साल से। उसके पहले भी अगेन मेरे हस्बैंड का एक दूसरा स्टार्टअप था, उसके साथ काम कर रही थी फॉर लाइक 4 ईयर्स। तो हाँ, मतलब कंप्लीटली कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ही हूँ, जहाँ मैं ये इंडस्ट्री से तो कंप्लीटली आई वुड से डिस्कनेक्ट हो चुका है फ्रॉम द टेलीविजन इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। तो आप मतलब बेसिकली कहाँ पे, कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब मुंबई से ही ऑडिशंस देना चालू करे थे या कहीं और? नहीं, मैं मुंबई में ही रहती हूँ। मैंने ऑनेस्टली बस एक ऑडिशन दिया है मेरी लाइफ में, दैट वाज फॉर सम XYZ सीरियल, एंड वहीं से मैं खिचड़ी के लिए भी सिलेक्ट हो गई थी। तो मैंने कभी ऑडिशंस नहीं दिया है लाइफ में कि मतलब इसलिए, मतलब बाद में बहुत स्ट्रगलिंग लगा जहाँ लोगों ने बोला कि अब आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे, या आपको लोगों से मतलब यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो मुझे एक एक आई वुड से एक ऐसा एटीट्यूड भी आ चुका था, आई नॉट अ नेगेटिव एटीट्यूड अगेन, बट एक फीलिंग आ चुकी थी कि आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड माय सेल्फ इन द इंडस्ट्री फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स, तो अब ऑडिशन देना मेक्स नो सेंस एंड आई विल नॉट बी गोइंग फॉर एनी मोर ऑडिशंस। तो अगेन वो एक डिस्कनेक्ट हो चुका था। बट दैट्स राइट, यू हैव प्रूवन योर सेल्फ फॉर 15 ईयर्स, इतने साल काम कर करेक्ट चुके हैं, उसके बाद आज करेक्ट भी न्यू कमर्स के साथ ऑडिशन देंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता एटीट्यूड के हिसाब से नहीं, पर उनमें और अपन में एक तो लाइन होनी चाहिए जो न्यू करेक्ट कमर्स के साथ नहीं खड़े करेक्ट। रहना। ऑब्वियसली एक लाइन थी, ऑब्वियसली एक लाइन थी, एक शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता था, बट अगेन मुझे लगता था कि ये स्ट्रगल इज नॉट वर्थ द फन। मतलब आप 15 ऑडिशंस दो, 20 ऑडिशन दो, एक काम करो, इट्स नॉट एक्चुअली वर्थ द फन। तो लोगों अगेन ने दिस काम इज वन देख ऑफ द रखा है, रीजंस। लोगों ने काम देख रखा है, तो उनको उस हिसाब से रोल के हिसाब से चूज कर लेना चाहिए कि ये चीज होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो व्हाट आर योर गोल्स फॉर फ्यूचर? फ्यूचर गोल्स, लाइक आई हैव वर्क सिंस आई वाज 5 ईयर्स ओल्ड, आई एम 26 एट द मोमेंट, सो आई ऑलरेडी वर्क फॉर 21 लॉन्ग ईयर्स। आई वर्क फॉर 5 ईयर्स मोर मैक्सिमम, देन आई विल बी रिटायरिंग,
and I just want to travel the world. Like I have already made my plans for the next 15 years ki साल में ये ट्रिप करनी है. सो आई हैव माई ट्रेवल प्लान्स रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. 5 साल और काम करूंगी टू जस्ट कीप माई सेल्फ लिटिल बिजी एंड ऑक्यूपाइड, एंड देन आई विल बी जस्ट रिटायरिंग माई सेल्फ फ्रॉम ईच एंड एवरी थिंग. नो कॉर्पोरेट, नो टेलीविजन, नथिंग. What are your weakness? I'm a very emotional person. I trust people very easily, I would say. तो हाँ, मतलब इमोशनल होना इज नॉट ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज नॉट एवरी पर्सन यू टॉक टू और एवरी पर्सन यू कम अक्रॉस इज इक्वली इमोशनल एज यू आर. एग्जैक्टली. एंड पीपल नाउअडेज हैव बिकम क्वाइट क्वाइट प्रैक्टिकल. फॉर्चुनेटली आई केम अक्रॉस पीपल हु आर इक्वली इमोशनल एज आई वॉज इन द एंटायर इंडस्ट्री. तो एक कनेक्ट हमेशा बैठ गया था. जब मतलब फेयरवेल होता था तो ऐसा नहीं था कि मैं बस अकेली रो रही हूँ. 50 लोगों की टीम है तो सारे 50 लोग रो रहे हैं. तो वो डिस्कनेक्ट कभी नहीं मिला, फॉर्चुनेट इनफ थी. बट आई वुड से दिस इज वन ऑफ माई बिगेस्ट वीकनेस आई नीड टू गेट रिड ऑफ, बट आई इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू दैट. And what are your strengths? Strengths, I'm an extrovert. I can talk to anybody about any specific thing. So I basically like talking. I love talking to people. So that is my strength because it helps me make connects. It helps people know about me. And I think connections is something which everyone is looking for in this particular era. So agar main wo easily kar sakti hu with my talks, then I think that is one of my biggest strengths. जब इंडस्ट्री को लीव करने का ये बात आई तो आपकी फैमिली वगैरह ने क्या रिएक्ट करा उससे? सपोर्टिव बहुत खुश थे? हुए, बहुत खुश हुए, बिकॉज उन्होंने ही कहा था कि इंडस्ट्री छोड़ दो. तो मैं तो तभी भी बच्ची थी कि जब स्टार्ट किया एंड जब छोड़ा तभी भी आई वाज क्वाइट, आई वुडन्ट से आई वाज एन एडल्ट इनफ टू टेक डिसीजंस. तो मुझे तो तभी भी मन नहीं था, मुझे तो तभी भी लग रहा था कि नहीं, इंडस्ट्री में रहना है मुझे और एक्सप्लोर करनी है अपॉर्चुनिटीज. बट लाइक आई सेड, माई मॉम, माई डैड, माई मॉम वॉज ऑलवेज सपोर्टिव थ्रू आउट माई लाइफ. बट अगेन, व्हेन आई टॉक अबाउट माय डैड, व्हेन आई टॉक अबाउट माय ग्रैंड मॉम, माय ग्रैंडफादर, थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि डूइंग दोस डेटिंग सीन्स एंड यू नो दोस इंटीमेट सीन्स व्हेन यू हैव अ बॉयफ्रेंड अराउंड, हाथ पकड़ना ये वो. तो उन्होंने ये की चीज बोली कि पीपल प्रोबेबली वी नो यू सो वी अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट समवन लाइक दैट, बट एक आउटसाइडर है जिनकी शायद मेरे जैसी मेंटेलिटी हो, उनको नहीं पता हो, वो जज कर ले चीजें. एंड आई थॉट दैट एट द एंड वी डू थिंग्स फॉर आर सेल्स एंड आर फैमिलीज, सो रादर देन गोइंग अगेंस्ट देम इट्स बेटर टू डू समथिंग व्हाट दे वांट. एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट करेक्ट डिसीजंस इन माय लाइफ कि मैंने वो इंडस्ट्री राइट टाइम पे एग्जिट कर दी. सो आई हैव नो रिग्रेट्स. मतलब मैंने 15 साल या 20 साल एक लाइफ जी जहाँ आई वॉज फेमस, पीपल यूज टू नो मी, मुझे एक एक्सपोजर मिला. अभी भी जैसे आई डोंट रियलाइज कि मेरा फेस सिमिलर है या लोग याद रखते हैं. मैं अभी भी बाहर जाती हूँ तो पीपल नो मी, पीपल रिकग्नाइज मी क्वाइट इजीली कि आप चक्की थे ना. एंड मेरी मम्मी बोलती है मतलब कैसे पहचान लेते हैं, यू डोंट लुक सिमिलर एनी मोर. बट अभी भी वो एक नहीं, अच्छी आपकी फीलिंग है, अच्छी मेमोरीज फेस हैं. कट आपका भी वैसा ही है जैसा मतलब बचपन में था. मैं भी देखती थी सीरियल, ऑब्वियसली सब देखते थे, तो ग्रेट, फेस कट थैंक यू. वैसा ही अभी भी जैसा है. और वो एक सीरियल ऐसा जैसा आपने बताया कि फैमिली से कनेक्टेड रहने वाला, तो हर कोई देखता है. बाबू करेक्ट बेबी हो गया, तेंदुलकर हो गया, या सबसे मेन खिचड़ी हो गया, तो उसके कैरेक्टर्स आज भी लोग उनको, जैसे कि अगर करेक्ट सुप्रिया पाठक जी या मतलब जो भी रोल अभी कर रही है, तो उन्हें वो हंसा के नाम से ही जाना जाएंगे कि अरे ये हंसा कर चुकी है ना, भले उन्होंने 100 रोल क्यों ना कर, तो वो कैरेक्टर ऐसा है कि यार मतलब मैं अभी डिफरेंट. रामलीला देखने गई थी एंड रामलीला में पीछे से लोग चिल्ला रहे थे, अरे ये तो हंसा आई. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इट वाज जबकि वो मतलब कितना इयर्स सीरियस बैक. रोल था, इतना सीरियस करेक्ट रोल था करेक्ट रामलीला करेक्ट में, और करेक्ट. सबको बट हंसा हंसा थे. करेक्ट या तो तो वो इसलिए आपको अभी भी लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर ही इतने अच्छे हैं कि मतलब याद रहता है. जैसे अभी के टाइम में तारक मेहता का शो चल रहा है, तो वो बच्चे दैट हैं, इज वो अगेन अ कैरेक्टर, वंडरफुल शो. वो ऐसे हाँ वो ऐसे कैरेक्टर हैं कि जो हमें याद रहते हैं. जो कॉमेडी सीरियल्स मेरे हिसाब से या फैमिली से रिलेटेड वाले लोग तो ज्यादा देखते हैं. तो व्हाट व्हाट से योर हस्बैंड, मतलब आपके हस्बैंड क्या कहते हैं इस बारे में कि आपको इंडस्ट्री छोड़नी चाहिए थी? नहीं, ही इज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं कम बैक करूँ इंडस्ट्री में. तो
तो लास्ट ईयर भी जब बिग बॉस में मैंने ऑडिशन दिया था एंड बातें हुई थी एंड सिलेक्ट हुई थी, तो ही वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस. तो ही वांट्स मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, बिकॉज उसने मतलब मैं उसे जब मिली तब तक मैंने ये इंडस्ट्री पीछे छोड़ चुकी थी, तो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि क्या क्या एग्जैक्टली ये एक्सपीरियंस है पूरा, यू नो, इंडस्ट्री में हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, हाउ यू एग्जैक्टली शूट विद पीपल. तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अगेन, बट या अनफॉर्चुनेटली आई डोंट विश टू गो बैक एनी मोर. बाकी बिग बॉस एक रियलिटी शो है मेरे हिसाब से, वो तो ठीक ही है अगर आप कम बैक करना. यस, आई वुड अगेन नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बट हाँ, देर वर सर्टन रीजंस व्हाई वी कुडंट बी सक्सेसफुली व्हाट वर्क इज टुगेदर. द या डिफिकल्ट फेस ऑफ योर लाइफ, डिफिकल्ट फेस ऑफ योर लाइफ? द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ वॉज माई ट्रांजिशन, आई वुड से, फ्रॉम दिस इंडस्ट्री टू द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री. मतलब वहां जो रिस्पेक्ट मिलना था, आई वुड से रिस्पेक्ट, मतलब वहां जब आप काम कर रहे हो, वहां मतलब अगर आप 10% 20% काम कर रहे हो, पीपल नो यू 100% एंड 200%. यहाँ आप 100% काम कर रहे हो एंड यहाँ अप्रिसिएशन है जो 5% 10% मिलता है. मतलब पीपल विल नॉट नो यू, पीपल विल, मतलब पीपल अराउंड यू विल रिस्पेक्ट यू प्रोबेबली, जो आपके साथ कंपनी में काम कर रहे हैं या पीपल जो आपको जान रहे हैं, बट अगेन एक एक्सपोजर नहीं मिल रहा. तो ये ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट था. एक्सेप्टेंस वॉज नॉट रियली ईजी एंड आई एम नॉट समवन हु कैन एक्सेप्ट थिंग्स और डाइजेस्ट थिंग्स वेरी इजीली. आई एम अ वेरी स्टबर्न पर्सन दैट वे. तो डिफिकल्ट लगा था एक आध साल की कैसे एडजस्ट करेंगे, बट इवेंचुअली विद टाइम थिंग्स गॉट बेटर. And now I'm happily working. तो आप अपने आप को मतलब कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा खुश देखते हो, उधर या इधर? I will still not choose because I think everything has its own time. As a child, मैंने जो किया वो बहुत interesting था, तभी मैं ये corporate industry कभी देख ही नहीं सकती हूँ. कि मैंने जो मतलब मैंने बचपन से काम किया है, मैं आज भी आई की बोस्टिंग दैट आई हैव वर्क सिंस आई वाज 5 years ओल्ड. तो मैंने जल्दी काम शुरू किया, मैं रिटायर भी जल्दी हो जाऊंगी एंड आई हैव सो मेनी इयर्स इन माय किटी टू एंजॉय माय लाइफ इन दैट केस. तो मैंने जो बचपन में किया वो मैं शायद कुछ और नहीं कर पाती, एंड अभी मैं जो कर रही हूँ वो शायद मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में रहती तो नहीं कर पाती. सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज बिटवीन द बोथ. सो बट यस, अच्छा इफ इट्स अबाउट प्रायोरिटीज अगेन, इवन इफ टूडे आई गेट एन अपॉर्चुनिटी इन अ स्पेसिफिक सेगमेंट, यू नो, विच मीट्स माई क्राइटेरिया कि इसी तरह से काम करना है, यही काम करना. टूडे आई गेट एन अपॉर्चुनिटी इन अ स्पेसिफिक सेगमेंट, यू नो, विच मीट्स माई क्राइटेरिया कि इसी तरह से काम करना है, यही काम करना है, ऐसे काम करना है, तो आई विल स्टिल चूज टेलीविजन इंडस्ट्री ओवर माई कॉर्पोरेट सेक्टर. व्हाट आर योर क्राइटेरिया, मतलब कोई स्पेसिफिक दो चार ऐसी चीजें हो जो आपको चाहती हो उस रोल में होनी चाहिए? रोल आई वुड वॉन्ट टू वर्क विद द प्रोडक्शन हाउस आई हैव ऑलरेडी वर्क विद, विच इज वन हाफ ऑफ. बट अगेन माई क्राइटेरिया, इट हैज टू बी अ फैमिली सीरियल, इट हैज टू, यू नो, गिव दोज वैल्यूज, और इट शुड नॉट बी समथिंग विच माई फैमिली विल नॉट बी एबल टू सी इट. तो ठीक है, मतलब इफ समथिंग लाइक दैट कम्स अप विद टाइम आई डोंट रियली माइंड. बट मैं हंट नहीं करूंगी अगेन, लाइक आई सेड, ऑडिशंस देना एंड लोगों से बात करना इज नॉट रियली व्हाट आई वुड वांट टू डू एवर. तो फैमिलीज के रोल मतलब ऐसा है जो आप ज्यादा सुटेबल मानते हो करने के लिए? यस यस, बिकॉज आई थिंक माई फैमिली विड बी अ लिटिल मोर कंफर्टेबल सीइंग दैट. ये तो सही है, क्योंकि अपनी फैमिली जिस चीज के लिए ज्यादा सही होती है वही करना चाहिए, करेक्ट उनको उनको परेशान करके नहीं करना चाहिए कुछ भी. करेक्ट. So where do you want to That's see awesome. yourself in 5 years? I've already answered that. 5 years में I'll be retiring. I'll be traveling the world. And जैसे मैंने करियर जल्दी स्टार्ट किया तो उसका एंड भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, so that I have enough time with me to enjoy my life. सही है.
so nice interaction with you and your It was questions. extremely nice talking to you. Same here. So basically, I want to sing a song for you, Thank because you. I also watched Khichdi so much because I was a child at that time. You also Thank were a child at you. that Thank you. Thank you. Yeah. I was 6 when I started with 6, 7 years old when I started with Kijriya. Now I am also 21 years And I'm 26 again, yeah. old. Great. So I want to sing a song for you. Sure. Is that song going to be of my choice or? This is song dedicated to you. Okay. Great. Great. Yeah. हो आके कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखो इबादत करते रहो तेरे सजदों में धड़के, दिल ये मेरा मेरे सांसों में बसता है बस एक तू, इश्क दा रंग तेरे मुखड़े पे छाया, जो तू तम तक आए चैन नहीं आया, किन्ना सोना तेनू किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर वेखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। Great, thank you so much. You are such a wonderful singer. Thank You you. have a beautiful voice. Beautiful Thank you voice. so much. Thanks a lot. Thank you for connecting with us and giving us your time. So Thanks a lot. glad It to was a talk to pleasure you. connecting with you. Likewise. Thank you so much. And all the Thank fans, I you. have read your comments, but since I was answering a lot of other questions, I could not answer you guys. I will make sure I personally come live so that all of you all can ask me questions and then I can answer there as well. Thank you so much. I love you all. Thank Thanks a you. lot. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye, same to you. So she is Richa Bhadra, the actress, and she's as sweet as her dolls. Balls.